जब बीजेपी हारता है, जब उसको पता है कि महागठबंधन के आगे नहीं टिकेंगे, तो इन्हीं लोगों को आगे किया जाता है। इसमें कहाँ कुछ है, कोई मतलब है क्या? इसके बाद ईडी भी आएगी, वो भी तहकीकात करेगी, वो भी चार्जशीट करेगी, तो ये कोई मतलब है? जब तक संवैधानिक संस्थानों के का दुरुपयोग होता रहेगा, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। लालू जी पर जो चार्जशीट हुआ, इस टाइमिंग को क्या कहेंगे? लालू जी पर जो चार्जशीट हो गया, इस टाइमिंग को आप कैसे देखते हैं? तो इसमें ये तो हटाओ ना, तो प्रोसीजर है नॉर्मली। ये लोग तो इन लोग इसी एजेंडा के साथ ना आया था कि भाई चार्जशीट करें, और क्या करेंगे? जब बीजेपी हारता है, जब उसको पता है कि महागठबंधन के आगे नहीं टिकेंगे, तो इन्हीं लोगों को आगे किया जाता है। इसमें कहाँ कुछ है, कोई मतलब है क्या? मतलब कोई चिंता का विषय नहीं है? अरे भाई हम बता ना रहे। इसके बाद ईडी भी आएगी, वो भी तहकीकात करेगी, वो भी चार्जशीट करेगी, तो ये कोई मतलब है? जब तक संवैधानिक संस्थानों के का दुरुपयोग होता रहेगा, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। इसके बाद ईडी भी आएगी, वो भी तहकीकात करेगी, वो भी चार्जशीट करेगी, तो ये कोई मतलब है? जब तक संवैधानिक संस्थानों के का दुरुपयोग होता रहेगा, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। तो इसमें कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ ज्यादा बोला नाराज चल रहा है क्या? ऐसी खबर आ रही थी, चर्चा है, जगदानंद सिंह नाराज है क्या? नाराज है क्या? जगदानंद सिंह नाराज चल रहा है? नाराजगी की बात ऐसी कोई नहीं है, हमें तो कोई ऐसी बात उन्होंने कही नहीं। बैठक में आएंगे? अगर कोई ऐसी बात होती तो हमको कहते। बैठक में उनका तो पता नहीं, अब तो वो बंदे उनको लेना है। उपचुनाव हो रहा है सर, आप लोग के लिटमस टेस्ट है महागठबंधन बनने के बाद। इसमें हम लोग जाएंगे, हम लोग हर तरीके से लोगों से जो है हम लोग बात करेंगे, और मोकामा में है चुनाव और गोपालगंज में है चुनाव, तो इस पर हम लोग जल्द से जल्द निर्णय लेंगे कि महागठबंधन से दोनों सीटों पे कौन चुनाव लड़ेगा। और हमको जहाँ तक लगता है कि हम लोग जो है बाई इलेक्शन अच्छे कम्फर्टेबली जीतने का काम करेंगे। बीजेपी कह रही है कि आरजेडी से कार्तिकेय सिंह है, इसलिए पुलिस उनको नहीं पकड़ रही है, जबकि वो फोटो खिंचवा रहे हैं। सब कौन बीजेपी क्या कहता है नहीं कहता है, इस सबसे कोई मतलब ही नहीं है।